करते करते क्वेश्चन एक्सरसाइज हमने शुरू की थी लास्ट टाइम 3.4 एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज 3.4 हम शुरू करेंगे अभी और इसमें जो क्वेश्चन 3x3 के थे वो तो हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 ये 3x3 क्वेश्चन है। पेज नंबर 97 क्वेश्चन नंबर 15, 16 हो चुका है। 17 नहीं नहीं जो क्वेश्चन 2x2 के हैं ना ये मैंने अभी कराए नहीं है, इनको मैं कराऊंगा, ध्यान रखें आप भी। देखो भाई सुनो ध्यान से, 15, 16, 17 तीन क्वेश्चन 3x3 के हैं। 15 हो चुका है, 16 हो गया। जो मैं क्वेश्चन आपको रीड करने के लिए वो सदर क्वेश्चन हो गए, मैंने नहीं किए, यदि नहीं किया तो जो आज करना ठीक है, प्रैक्टिस करने कुछ नहीं था आपको भी करने के लिए। चलिए अभी 17 करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 97 क्वेश्चन नंबर 17 इज 8x2 वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर इन विच फर्स्ट रो इज 2, 0, -1 सेकेंड रो इज 5, 1, 0 एंड थर्ड रो इज 0, 1, 3 एंड वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो लेट a=ik After this, we have to put the value of A and I. This A will be unchanged. Now put the value 2, 0, -1, 5, 1, 0, 0, 1, 3 equals to identity matrix. इसको रखिए 1, 1, 1 इंटू के कोई बोलो जानते। अब इसके बाद में जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई मैट्रिक्स है उसमें आप बनाएंगे 1। अब यहां 1 बनाने के लिए आप एक काम करें, जो रो 2 है इसको आप रो 1 कर दें, रो 1 और रो 2 को आप इंटरचेंज कर दीजिए आपस में। जब रो 1 और रो 2 को आप इंटरचेंज करेंगे तब जाके वहां 1 मिलेगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2 का डबल करके माइनस कर देंगे तो 1 बन जाएगा। सो ऑपरेशन इज R1 इज इंटरचेंज बाय R2 एंड वी हैव 5, 1, 0, 2, 0, -1, 0, 1, 3 जो इधर किया है वही उधर कर दो। ये -2 नहीं है, थोड़ा बोर्ड में डैश लगा हुआ है फिर से सोचो यहां भी -2 है ठीक है भाई, ये बोर्ड का माइनस चल रहा है अपने साथ, ये रफ नहीं हो रहा है मेरे से जो आपको कुछ लग रहा है ठीक है। चलिए R2 ऊपर आएगा तो 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 क्लियर। तो देखो भाई एक बात और, अफवाहें उड़ती रहती है कि ये हो गया वो हो गया स्कूल बंद है बनाना ठीक है, आप डेली स्कूल है सुन मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेबस चलता रहे
और आजकल चैप्टर आपका ये फेस हो जाएगा मैट्रिक्स एक चैप्टर, इसलिए तो आप किसी बात पर ध्यान न दें जिस क्वेश्चन ने, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना मत आए, लेकिन जो मैथ्स के बच्चे हैं स्पेशली वो जरूर आए, क्योंकि आपका सिलेबस भी छूट जाएगा। मैंने देखा है लेकिन तुम क्या जरूरत हुई है आपकी सिलेबस और कितना आता है वो आप जानते हो, इसलिए ध्यान दो सिर्फ अपने ऊपर न कि अपने पड़ोसी के ऊपर, सीधी ही बात है। और देखो जो रह जाएगा फिर वो रह ही जाएगा, कंसेप्ट वापस तो आते नहीं है, ठीक है, इसलिए डेली आओ, चांस रखो। मान लो कि जाना भी है तो घर वालों को बोल दो कि भाई इस टाइम आप मुझे वहां से उठा लेना स्कूल से, मतलब कोई फंक्शन है कुछ भी है, और बाय द वे जिस दिन मैं नहीं आऊंगा आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जनरली हम कोशिश करते हैं छुट्टी कमी करता हूँ मैं स्कूल की, जिससे कि भाई बच्चों को लोग सुना दो स्कूल में आए तो पढ़ करके जाएंगे, तो वही ध्यान आते रहते हैं। चलिए अब बनाना है मुझे ये एलिमेंट वन, तो मैं इस रो में से इस रो का डबल करके माइनस कर दूंगा, तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं आर वन चेंज बाई आर वन माइनस टू टाइम ऑफ आर टू। तो भाई फाइव में से जाएगा टू का डबल तो बचेगा वन, वन में से जाएगा जीरो का डबल वन, जीरो में से जाएगा माइनस वन का डबल टू पॉजिटिव, और बाकी सब रहेगा एज इट इज। आर्यन का कोई प्रॉब्लम उधर भी तो यही काम, जीरो में से जाएगा वन का डबल तो बचेगा माइनस टू, फिर बचेगा वन जीरो, इधर वन जीरो 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 वन, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। चलिए अब वन यहां बन गया, अब इसके नीचे इन दोनों को बनाना है जीरो, एक तो बना हुआ है इसको बनाना है, तो इसको मिल जाए माइनस टू काम हो जाएगा, ऊपर रखा है वन उसका डबल करके इसमें से उसको माइनस कर दो, तो लगा रहे हैं ऑपरेशन कि आर टू चेंज बाय आर टू माइनस टू टाइम ऑफ रो वन, और बाकी सब रहेंगे अनचेंज, तो रो वन को लिख दो पहले, रो थ्री को लिख दो इधर भी और इधर भी, माइनस टू वन जीरो 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 वन। चलिए अब करते हैं रो टू में चेंज, तो इसमें जाएगा इसका डबल बनेगा जीरो, इसमें जाएगा इसका डबल तो माइनस टू, इसमें जाएगा इसका डबल तो माइनस थ्री, इधर आओ इसमें जाएगा इसका डबल तो बनेगा फाइव डबल माइनस टू और जीरो। चलिए अब फर्स्ट कॉलम तैयार हो गया, सेकंड पे आओ, सेकंड में आते ही हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम इस एलिमेंट को बनाएं वन, ठीक है। अब देखो वन बनाने के लिए तनुइनियम रास्ता अपनाएंगे डिवाइड बाय माइनस टू, तो उससे दिक्कत हो जाएगी, हाँ तो दिक्कत हो गया तो हम अच्छा चलो और ठीक है। अब सुनो हर से भी हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं ना माइनस टू से, तो दिक्कत हमें क्या हो जाएगी फ्रैक्शन में आ जाएगी, और फ्रैक्शन में भी लेना पड़ता है एलसीएम ऐड करने के लिए भी, तो इससे अच्छा है एक काम कर ले यहां पर बना हुआ, तो क्यों ना हम इस पूरी रो को स्वैप कर दें, इंटरचेंज कर दें इन दोनों से, भाई इसको नीचे लेते आए इसको ऊपर ले जाए बन जाएगी फ्रैक्शन से, तो ऐसा करना है आपको। चलिए तो मैं चेंज कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं आर टू और आर थ्री को, तो करो फटाफट, तो वन वन टू जीरो वन थ्री जीरो माइनस टू माइनस फाइव, जो इधर किया है वही इधर कर दो, माइनस टू वन जीरो 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 वन फाइव टू जीरो और ये थ्री। चलिए वन बन गया, अब यहां पर तो इसके ऊपर जीरो बनाओ इसको जीरो बनाओ, तो एक काम करेंगे आर वन में से कर देंगे आर टू माइनस,
जहां पर बनाया है ना उसी के अलग लोगे, इसमें से कर देंगे इसको माइनस और इसमें कर देंगे इसका डबल करके प्लस। तो चलिए दोनों लगा रहे हैं प्रश्न एक साथ, R1 में चेंज कर रहे हैं कैसे कि R1 माइनस R2, और R3 में चेंज कर रहे हैं कैसे कि R3 में 2 टाइम्स ऑफ R2 करके ऐड कर देंगे। तो जब हम रो 1 में रो 2 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 बनेगा 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, दिस इज फर्स्ट रो। एंड देन सेकेंड रो विल बी अनचेंज। नाउ थर्ड रो, थर्ड रो में 0 प्लस डबल ऑफ 0 0, माइनस 2 प्लस डबल ऑफ 1 0, माइनस 5 प्लस डबल ऑफ 3 1। चलिए इससे एक फायदा और होगा, देखो यहां 1 चाहिए होता है ना, अपने आप ऑटोमेटिक 1 बन गया। हमारा मेन मोटिव क्या होगा, बस ऊपर नीचे जीरो बनाना, ठीक है। तो चलिए इधर भी करो यही, दिस माइनस दिस माइनस टू, दिस माइनस दिस वन, दिस माइनस दिस माइनस वन, फर्स्ट रो तैयार। रो टू रखो आप ऐसे ही, रो थ्री में डबल करके आर टू, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए उधर रफ कर दे, मैं इसको पहला के काम कर दो, इसे कॉपी कर लो, कीजिए फटाफट कॉपी इसको। चलो अब देखो यहां तक आने के बाद में अब हमारा मेन मोटिव है इन दोनों को बनाएंगे जीरो विद द हेल्प ऑफ रो थ्री। कैसे, रो वन में रो थ्री ऐड कर देंगे जीरो बन जाएगा, और रो टू में से हम रो थ्री का थ्री टाइम करके माइनस कर देंगे। तो लिखो पहले ऑपरेशन, ऑपरेशन करेंगे अप्लाई यहां पे कि रो वन चेंज बाय रो वन प्लस रो थ्री, और रो टू चेंज बाय रो टू माइनस थ्री टाइम ऑफ रो थ्री। तो आइए जरा फटाफट, वन में ऐड करो आप जीरो, वन जीरो प्लस जीरो जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, रो टू पे आओ इसमें से करना थ्री टाइम माइनस, तो जीरो वन जीरो 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 वन। माइनस टू प्लस फाइव थ्री, वन प्लस टू थ्री, माइनस वन प्लस टू वन, और जीरो माइनस थ्री टाइम ऑफ फाइव माइनस फिफ्टीन, जीरो माइनस थ्री टाइम ऑफ टू माइनस सिक्स, वन माइनस थ्री टाइम ऑफ टू माइनस सिक्स बनेगा माइनस फाइव। तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इक्वल्स टू थ्री थ्री वन माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्स माइनस फाइव
5 over 2, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये इनवर्स मिल गया, मैच कर लो इसको आप। सिक्स पॉजिटिव आ रहा है, सिक्स पॉजिटिव है और क्या है माइनस टू है, माइनस टू कौन सा थे थ्री है, नहीं माइनस ये है कि माइनस टू ये अलग है बिल्कुल। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने कोई चेंज इधर किया हो इधर ना किया हो। तुमने कैसे किया? थोड़ा सा आ रहा है तुम्हारा 5 minus 2 जब यहाँ से लगाया ना ऑपरेशन कि आठ में से किया टू टाइम्स, जब इसमें से करेंगे इसका टू टाइम माइनस, चलिए फिर ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आएगा, यहाँ तक तो हम आगे सही है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने आर वन में चेंज किया कि आर वन माइनस आर टू R1 में R3 हमने प्लस किया तो 1 माइनस 2 ये आएगा माइनस 1, माइनस 1 है कि ऊपर हाँ तो अब सही हो जाएगा माइनस 1। उसके बाद R2 में किया माइनस, इसमें से किया माइनस 3 टाइम तो ये हो जाएगा अब प्लस 6। अब चेक करना हाँ गलती फिर यहां पर होगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लेकर चलते हैं 2 by 2 के। 2 by 2 थोड़ा आसान होता है, रब कर दे इसको, ऊपर बनाएंगे जीरो, तो क्यों ना हम एक काम करें आर टू में से माइनस कर दें आर वन को, आर टू में चेंज कर रहे हैं सॉरी आर टू माइनस टू टाइम ऑफ आर वन, तो बनेगा 1 minus 1 डबल मिन हो जाएगा इसका डबल तो बनेगा 5।
वन जीरो, इसमें से इसका डबल माइनस टू और यहाँ पे बने रहेगा। अब देखो यहाँ पे विवेक हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो डिवाइड करना पड़ेगा फाइव से वन बनाने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं आर टू चेंज बाई वन अपॉन फाइव आर टू, तो आ जाएगा वन माइनस वन जीरो वन, वन जीरो माइनस टू बाई फाइव वन बाई फाइव। अब बनाएंगे आप इस वन से ऊपर जीरो, तो हम लिखेंगे आर थ्री सॉरी आर वन चेंज बाई आर वन प्लस आर थ्री, तो बनेगा वन जीरो जीरो वन। वन में ऐड करो माइनस टू पॉइंट फाइव को, ठीक है भाई। तो ये आपका आ गया ए इनवर्स, तो बाद में लिख दीजिए ए इनवर्स इक्वल्स टू ये पॉन फाइव वन अपॉन फाइव माइनस टू पॉइंट फाइव वन अपॉन फाइव, नोट करें फटाफट। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन समझ लो आप, तो आप पढ़ते रहोगे प्रैक्टिस के लिए। जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे विवेक के टीम, देखो इसके लिए आप चलिए पेज नंबर 91 पे आओ, जरा आओ सभी काम बाद में करते रहना, बस एक मिनट सुन लो। पेज नंबर 91 पे आओ, पेज नंबर 91 पे हेडिंग डाला हुआ है इनवर्टिबल मैट्रिक्स, देख रहे हो, तो इसको पढ़ो ध्यान से। वो कह रहे हैं इसमें डेफिनेशन दी है, इफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट, ए मैट्रिक्स तो आपके पास में है जिसका ऑर्डर एम है, एम का मतलब एम बाई एम। फिर कह रहे हैं कि यदि बाय द वे कोई दूसरी मैट्रिक्स भी वहां पे आ जाए, इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एम, किस तरह से, सच दैट ए बी प्लस टू बी ए, जब उनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई ए बी की करें या बी ए की करें, हमें मिले हमेशा एंटी मैट्रिक्स।
तो वो कह रहे हैं B is called the inverse of matrix A. तो तब हम B को matrix A का इनवर्स बोलेंगे, ठीक है, and denoted by A inverse. In the case A is said to be invertible. उसके नीचे फिर दो एग्जांपल लिए गए A और B मैट्रिक्स के. A B को मल्टीप्लाई किया तब भी I मिला, B A को मल्टीप्लाई किया तो तब भी I मिला, और बाद बोल दिया गया कि B इनवर्स है मैट्रिक्स A का, ठीक है बिल्कुल. चलिए अब आओ अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे, पेज नंबर 97. तो 97 में कह रहे हैं मैट्रिक्स A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे की इनवर्स होंगी. तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, जब ए बी और बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होते हैं, ठीक है. तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई. इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस. तो अभी आप 3.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कर लीजिए, आपके पास टाइम भी है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछते रहो.